सभी दोस्तों का मेरा नमस्कार। दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे पास अभी ये ढोलक है, ये तो तबले का बेस में यूज़ कर रहा हूँ, और ये देखिए मैंने स्पेशल आप सभी के लिए मंगाया है ताकि मैं आपको बड़े आसान तरीके से ढोलक के लेसन्स बता सकूँ। मेरे लिए बड़ा आसान हो गया है और मैं डायरेक्ट कैमरा ढोलक की चार्टी पर और तबले के बेस पर लगा हुआ है, तो आप बड़े आराम से ये देख सकते हैं कि बेस कैसे बजाएंगे और चाटी को कैसे बजाना है। तो ढोलक पर, जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ लिया आपने, कि मैं आपको राजस्थानी पैटर्न बता रहा हूँ, एक बहुत ज़्यादा उपयोगी प्रकार है और मैं भी इस पैटर्न, ये पैटर्न जो है इसको बजाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ करता हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। और आप, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और आप इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप बिल्कुल मत करना, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा। देखिए चाटी कैसे बजाएंगे। फर्स्ट फिंगर से किनार पर ता बजाएंगे, ये तीन फिंगर्स उठी रहती हैं जब ता बजाएंगे ढोलक पर, और फर्स्ट फिंगर से मैदान पर तीन, थोड़ा आगे की तरफ, ये तो चाटी पर रिपीट होगा, ता तीन तीना तीन ता तीन तीना तीन, और इसके अलावा ता तीन तीना तीन, ये भी होगा। पूरा पैटर्न देखिए पहले तो आप, बोल है ठीक है, ये प्रकार है। तो धा धिन धिन आगे धिन धा, ता के साथ बेस मिलाकर बजाएंगे तो बन जाएगा धा, ये दो फिंगर्स का यूज कर सकते हैं बेस में, धा तो धा धिन, धिन बज रहा है थोड़ा मैदान पर आगे की तरफ, तो धा धिन धिन आघ, धा धिन धिन आघ, फर्स्ट फिंगर से घ लिया ऐसे, तो धा धिन धिन आघ धिन, फिर ता तीन तीना तीन, ता के साथ ये भी ले सकते हैं, ता ता तीन ती न, ये तीन फिंगर से न बिल्कुल सॉफ्ट रखना है, इसको ज़्यादा नहीं मारना है इसे, ये तीन सॉफ्ट रहेगा, तो ता तीन तीना तीन, ये सेकंड लाइन है। फर्स्ट लाइन तो ये है धा धिन धिन आघ धिन, सेकंड ता तीन तीना तीन, एक साथ बजेगा, प्रकार है बड़ा अच्छा है इसका प्रकार, आप देखिए धा धिन धिन आगे धिन ता तिन तिन आ तिन, इसको ऐसे ही बजा सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं ध्यान रखिए, ता बजाते वक्त ये तीन फिंगर जुड़ जाएंगी, तबले पर तो ये ऐसे बजाते हैं ता, ये फिंगर रहता है सियाही के बॉर्डर पर, और ये तबला स्टाइल है, लेकिन ढोलक में ये तीन फिंगर जुड़ जाएंगे और ये ता, तो ता तीन तीना तीन, ये कम स्पीड में देखिए, धा धिन धिन आगे धिन ता तिन तिना तिन, धा धिन धिन आगे धिन ता तिन तिना तिन, ये बोल है दोस्तों, उठान ले सकते हैं धिन ताक धिन ताक, तो धिन ताक, तो ये बोल है, इसको नोट कर लीजिए, धिन ताक धिन ताक धा धिन धिन आगे धिन, ये बोल हैं दोस्तों, इनका आप अभ्यास कीजिए, बहुत अच्छा पैटर्न है राजस्थानी पैटर्न, और राजस्थानी गीतों में आप इस पैटर्न का उपयोग कर सकते हैं, बजा सकते हैं, हमारे इस वीडियो को चलाकर हमारे साथ साथ अभ्यास कर सकते हैं, शुरुआत में कम स्पीड में ही इस प्रकार को आप बजाएं, ठीक है। तो हमारे चैनल पर और भी ढोलक के लेसन्स हैं, ये वीडियो देखने के बाद हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में तबला के भी लेसन्स मिलेंगे आपको, ढोलक के भी लेसन्स मिलेंगे, ठीक है। और अगर हमसे ऑनलाइन क्लासेज लेना चाहते हैं ढोलक या तबला की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर डाल दिया है, और चैनल के अबाउट में भी नंबर है, तो वहाँ से भी हमारे उस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, सबसे पहले कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए कि आपको क्लासेज ज्वाइन करनी है, मैं आपका मैसेज रीड करूँगा तो आपसे बात करूँगा, कॉल करने के लिए कहूँगा तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं दोस्तों। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, अंकित कश्यप तबला,
ये हमारे इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है, वो आपको हमारे चैनल के अबाउट में मिल जाएगा इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कीजिए दोस्तों आप। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।